देश के गृह मंत्री अमित शाह अब से कुछ ही देर में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे और आज वो मौका है जो कि लगभग 15 महीने बाद अमित शाह और नीतीश कुमार में मुलाकात हो रही है। दरअसल ये मौका ये यूं है यानी कि 26वीं परिषद की बैठक है और उसी मौके पर जो है देश के गृह मंत्री जो है इसके अध्यक्ष होते हैं और मुख्यमंत्री जो होते हैं वो सदस्य होते हैं। ऐसे में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ 15 महीनों के बाद मुलाकात करेंगे और ऐसे में तस्वीरें साफ है किस तरीके से यहां पर सुरक्षा का पूरा इंतज़ाम अब यहां पर कर दिया गया है। बता दें आपको कि कई दिनों से बिहार पुलिस जो है वो इसको लेकर तैयारियों में जुटी हुई है और साथ ही साथ अगर बात की जाए कि जितने भी अधिकारी हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसको लेकर पहले ही हाई लेवल बैठक की है। 2 दिनों तक बैठक होने के बाद इस तरह के कार्यक्रमों के लिए जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्देश दिए हैं कि जब देश के गृह मंत्री आ रहे हैं तो उनकी सुरक्षा में किसी प्रकार की कोई चूक ना हो, क्योंकि वैसे तो 3 राज्यों के मुख्यमंत्री को और आना था, एक तो ममता बनर्जी, दूसरा नवीन पटनायक, तीसरे हेमंत सोरेन, और ये तमाम लोगों को यहाँ पर पहुँचना था। हालांकि ममता बनर्जी की अगर बात की जाए तो ममता बनर्जी आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रही हैं, उनके जगह पर उनके प्रतिनिधि जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर गाड़ियों को रोका जा रहा है और जो उस साइड जाने वाले लोग हैं, क्योंकि इस रोड को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है, चप्पे चप्पे पर पुलिस को खड़ा कर दिया है। जो भी लोग इस रूट का इस्तेमाल करते हैं वो आज किसी भी सूरत में इस सड़क से पार नहीं कर सकते हैं। पूरे VIP इलाकों को जो है वो सुरक्षा बलों से जो है वो तैनात किया गया है, सुरक्षा बलों को खड़ा किया गया है। हर एक चौक चौराहे पर पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ तमाम जो अधिकारी, पुलिस, ये सभी लोग मौजूद है और कोई भी वहाँ नहीं जा सकता है। लेकिन जो तस्वीरें अंदर की है वो हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से अंदर में तैयारियां जो है वो जोरों पर चल रही है। कल भी हमने दिखाया था तस्वीर किस तरीके से वहां पर तमाम अधिकारी मौजूद हुए थे और आज जो गेट बनाए गए हैं 26वीं राष्ट्रीय परिषद की बैठक को लेकर, तो साफ तौर पर तस्वीरें साफ है कि किस तरीके से कल जो गेट बनाया गया था और आज उसमें फूल लगा दिया गया है, गुलदस्ता लगा दिया गया है और तमाम तस्वीरें जो है वो हम आप तक अपडेट कर रहे हैं किस तरीके से आज देश के गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुँचेंगे। क्षेत्रीय परिषद की बैठक है और इसी क्षेत्रीय परिषद की बैठक को लेकर पूरी तैयारी जो है वो कई दिनों से तमाम लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। पूरा वीडियो देखिए।